जय हिंद गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन पर। जैसा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जसप्रीत बुमराह का इतना शॉर्ट रन अप है, फिर भी वो इतना हाई पेस कैसे जनरेट करते हैं, ऑलमोस्ट वो 140-145 की स्पीड से बॉल डालते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब वो इतना शॉर्ट रन अप लेते हैं ऑलमोस्ट 10-12 स्ट्राइड का, तो वो कैसे इतना ज्यादा पेस जनरेट करते हैं? देखिए गाइस, बहुत सारे बॉलर्स को नहीं मालूम कि जसप्रीत बुमराह का जो मैक्सिमम पेस है 70% पेस है, वो उनके रनअप से आता है। और मैं आज आपको सारे की अट्रैक्टर बताऊंगा जो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक्शन में है। तो गाइस प्लीज आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। और एक और बात गाइस, कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मैं वहां पर बहुत सारे वेबिनार्स के क्विक अपडेट देता हूं, जो कि हम लोग हर एक वीक में करते हैं। तो प्लीज गाइस आप मुझे वहां पर जरूर फॉलो करिए। चलिए गाइस फिर हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में ना सबसे ज्यादा पेस है, 70% पेस है, वो उनके रनअप से आता है। अब आप सोच रहे होगे कि इतना छोटा रनअप है फिर कैसे इतना पेस आता है। कि गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, फास्ट बॉलिंग में ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है रनअप, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपकी आखिरी के 3 स्ट्राइड। यानी कि जो आखिरी के 3 स्ट्राइड है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि वो कैसे हैं। और जसप्रीत बुमराह की जो आखिरी के 3 स्ट्राइड है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। यानी कि वो सबसे ज्यादा एक्सेलरेट अपनी आखिरी की 3 स्ट्राइड में करते हैं। आप ध्यान रखिएगा गाइस कि जो उनकी रनिंग टेक्निक है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी है और वो हमेशा एक्सेलरेट करते हैं रनिंग में, कभी डी एक्सेलरेट नहीं करते। इसलिए जो उनकी आखिरी के जो 3 स्ट्राइड है ना, उनमें वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन और बहुत ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं आगे की ओर। इसलिए जो उनकी रनअप की आखिरी के 3 स्ट्राइड है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। देखिए गाइस अब बात करता हूं उनकी आखिरी जो स्ट्राइड होती है, जिसको इंपल्स स्ट्राइड बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इंपल्स स्ट्राइड का मतलब ये होता है गाइस कि जब जंप लेने से पहले वाली जो स्ट्राइड होती है ना, वो उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। जसप्रीत बुमराह की इंपल्स स्ट्राइड में क्या होता है गाइस कि वो जो अपना मैक्सिमम फोर्स है ना, सामने की ओर लगाते हैं। इससे क्या होता है गाइस कि उनकी जो ना फॉरवर्ड जंप होती है, कभी हाई जंप नहीं होती है। ज्यादातर फास्ट बॉलर के साथ यही प्रॉब्लम होती है गाइस कि उनकी ना हाई जंप होती है, फॉरवर्ड जंप नहीं होती है। लेकिन जसप्रीत बुमराह की ना परफेक्टली फॉरवर्ड जंप होती है। जब वो जंप के बीच वाले पार्ट में होते हैं गाइस, तो उनकी जो बॉडी है ना, वो टो से लीड करती है आगे की ओर। इसका मतलब यह है कि उनकी बॉलिंग में ना शिन लीड है, और शिन लीड का मतलब यही होता है कि आपकी जो अपर बॉडी है वो पीछे रहती है और जो लोअर बॉडी का टो है वो आगे रहता है। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉलिंग में शिन लीड है, इसी को शिन लीड बोलते हैं। तो उनकी बॉलिंग में ना परफेक्ट शिन लीड आता है। अब शिन लीड के बाद क्या होता है गाइस कि जब वो बैकफुट पर लैंड होने वाले होते हैं ना, तो उनका पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। अब स्ट्रेट होने का मतलब यह है कि वो परफेक्टली हिप डोमिनेंट फास्ट बॉलर है। अब हिप डोमिनेंट फास्ट बॉलर है तो इसका मतलब यह है कि उनका जो मैक्सिमम फोर्स है ना, अब वो बैकफुट कॉन्टैक्ट से आएगा, स्टिफ बैकफुट कॉन्टैक्ट से। अब यहां पर जसप्रीत बुमराह का अगर आप बैकफुट कांटेक्ट नोटिस करोगे तो वो काफी स्टिफ रहता है। इसका मतलब ये है कि उनका बैकफुट है ना, बहुत ज्यादा डीएक्सेलरेट नहीं करता या फिर बहुत ज्यादा रुकता नहीं है एक जगह पे, जहां पर हम बोल सकते हैं कि हमारी बैकफुट पर बॉडी खड़ी हो जाती, तो ऐसा उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। जब वो अपने बैकफुट पर लैंड हो जाते हैं ना, तो उनका स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट के कारण उनकी बॉडी तुरंत आगे की ओर चली जाती है, यानी कि तुरंत फ्रंट फुट कांटेक्ट की ओर निकल जाती है। अब यहां पर देखने वाली बात ये होती है गाइस कि जो उनका जो लेफ्ट वाला पैर होता है ना, वो स्विंग लेग रिट्रैक्शन करता है। अब जिन लोगों को नहीं मालूम स्विंग लेग रिट्रैक्शन क्या होता है, तो वो मेरी लास्ट वीडियो जाकर देखो, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि स्विंग लेग रिट्रैक्शन क्या होता है। अब यहां पर जसप्रीत बुमराह का जो फ्रंट फुट लेग है ना, वो अपने हिप पर टच होकर पूरा एक पुल लेता है, जिसको स्विंग लेग रिट्रैक्शन बोलते हैं। अब जब उनकी फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट की लैंडिंग हो जाती है गाइस, तो देखने वाली बात क्या होती है उनकी बॉलिंग में कि उनका जो हाथ है ना, वो एक लेवरेज की तरह यूज होता है। अब यहां पर लेवरेज का मतलब ये होता है गाइस कि वो उनका जो एल्बो है ना, वहां पर एक थोड़ा सा फ्लेक्शन होता है। अब लेवरेज का मतलब ये होता है गाइस कि जैसा कि आपने बांस की लकड़ी देखी होगी, बांस की लकड़ी जो पतली वाली होती है, जो स्कूल में टीचर्स लोग स्टिक मारने में यूज करते थे, अगर आप उसको फेंकोगे यानी कि ऐसे यूज करोगे, तो वो पहले थोड़ा सा पीछे बेंड होगा और सडनली क्विक फोर्स लेकर आगे की ओर आएगा। तो ये होता है लेवरेज। ठीक, इसका एक और एग्जांपल है एक गुलेल। अगर आप एक गुलेल की जो इलास्टिक है उसको खींच रहे हो, उसमें जो इलास्टिसिटी जनरेट होगी और सडनली उसको आप छोड़ोगे, तो पत्थर बहुत दूर तक जाता है। और यहां पर जसप्रीत बुमराह है ना, जो अपना बॉलिंग हैंड है ना, उसको लेवरेज की तरह यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है गाइस कि उनको एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब देखिए गाइस, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि यार वो अपना नॉन बॉलिंग आर्म को बिल्कुल भी यूज नहीं करते, बिल्कुल भी ऊपर नहीं ले जाते, जैसा कि हमारे कोचेस वगैरह बोलते हैं कि नॉन बॉलिंग आर्म को पूरा ऊपर तक ले जाओ फिर खींचो। लेकिन जसप्रीत बुमराह अपनी बॉलिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। उसके बाद भी वो इतनी सटीक तरीके से बॉल कैसे डाल लेते हैं, यानी कि वो इतने अच्छे से बॉल कैसे फेंक लेते हैं एक ही जगह पे। फॉर एग्जांपल आपने उनकी यॉर्कर्स तो देखे ही होंगे। तो यहां पर बात आती है गाइस कि वो जो अपना नॉन बॉलिंग आर्म है ना, उसको भले ही पूरा नहीं ले जाते हैं, लेकिन वो उसको कंट्रोल रखते हैं, यानी कि वो हाफ वे में भी रहता है लेकिन वो फिर भी उनके कंट्रोल में होता है। उससे क्या होता है गाइस कि उनकी जो ये लेफ्ट साइड वाली बॉडी है ना, अपर बॉडी, उसका वो पूरे तरीके से यूज कर पाते हैं। फिर उनके पास लेवरेज आर्म स्पीड तो है ही, जिससे कि क्या होता है कि वो बॉल बहुत तेजी से हिट करते हैं। इवन जो आगे का बॉल होता है यॉर्कर, वो भी बहुत तेजी से हिट करते हैं। ज्यादातर फास्ट बॉलर के साथ क्या होता है गाइस कि वो ऊपर का जब बॉल डालते हैं, यॉर्कर डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया है बॉल या फिर फ्लाइटेड बॉल डाली। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ
साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने यॉर्कर बॉल भी बहुत तेज हिट करा है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है गाइस क्योंकि उनके पास ना ब्रेस्ड फ्रंट लेग है। अब यहां पर ब्रेस्ड फ्रंट लेग की बात करेंगे हम। ब्रेस्ड फ्रंट लेग का मतलब क्या होता है? अब देखिए गाइस, ब्रेस्ड फ्रंट लेग जो होता है वो 99% बॉलर्स के पास नहीं होता है। यस, इवन इंटरनेशनल बॉलर्स की अगर आप बात करोगे जो 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, तो उनमें से भी बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिनके पास ब्रेस्ड फ्रंट लेग नहीं है। लेकिन यहां पर जसप्रीत बुमराह के पास ब्रेस्ड फ्रंट लेग है जो कि उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है विकेट पे बॉल हिट करने में। गाइस, विकेट पर बॉल हिट करने का मतलब ये है कि अगर आप एक अच्छे विकेट पर बॉल डाल रहे हो तो कई बार ऐसा होगा कि आप गुड लेंथ पर भी बॉल हिट कर रहे होगे तो वो शॉर्ट पिच बन जाएगा। तो ऐसा जसप्रीत बुमराह के साथ होता है कि जो उनका गुड लेंथ का बॉल होता है कई बार शॉर्ट पिच बन जाता है। बोल सकते हो कि उनका बॉल जो है ना चढ़ता है ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत अच्छे से अपना जो ब्रेस्ड फ्रंट लेग उसको यूज करते हैं। अब यहां पर तीन चीजें कंबाइन होती हैं गाइस, एक है उनका ब्रेस्ड फ्रंट लेग और दूसरा है उनका लेवरेज आर्म स्पीड और एक है उनका क्विक बैकफुट कांटेक्ट। ये जो तीनों चीजें हैं ना गाइस उनको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं बॉल को बहुत तेजी से हिट करने में। बॉल जब बहुत तेजी से हिट होता है गाइस तो बैट्समैन का जो सडन रिएक्शन होता है वो यही होता है कि बॉलर थोड़ा स्लो चला आ रहा है, आराम से आ रहा है और सडनली इतनी तेज बॉल कैसे हिट कर रहा है। इसलिए बहुत सारे बैट्समैन कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी स्लोअर बॉल पर या फिर उनकी जो क्विक यॉर्कर होती है। इसलिए जो जसप्रीत बुमराह है 145 की स्पीड से बॉल डाल पाते हैं क्योंकि उनका जो रनअप है ना भले ही छोटा है लेकिन उनके पास जो बाकी के की अट्रैक्टर्स हैं स्टिफ बैकफुट कॉन्टैक्ट, इंपल्स स्ट्राइड, लेवरेज आर्म स्पीड और साथ में ब्रेस फ्रंट लेग, ये जो चार या पांच की अट्रैक्टर्स हैं जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में, यही उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इतना हाई पेस जनरेट करने में। तो गाइस ये था आज का हमारा बॉलिंग एक्शन एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे की अट्रैक्टर्स होते हैं और कैसे पहचाना जाता है कि किस बॉलिंग एक्शन में कौन से की अट्रैक्टर्स हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।